Main artillery guns, unmute yourself. Main artillery guns, 120 mm mortar, 105 mm Indian field gun, 155 mm Bofors gun, 130 mm gun, 155 mm made in India. धनुष, अब देखो क्वेश्चन आपका आ सकता है, धनुष क्या है? क्वेश्चन आपके इस तरह से आ जाएंगे, वो पूछेंगे धनुष क्या है? आर यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी. क्या है धनुष? हाँ जी चिराग, क्या है धनुष? आर्टिलरी गन है. ठीक है, धनुष क्या है आपका? मेन आर्टिलरी गन है. मतलब जैसे पहले तो क्या होता है, तोप भी बड़ी बड़ी होती थी, आजकल ऐसे नहीं. आजकल इतनी स्ट्रॉन्ग गन्स आ चुकी है कि इजीली उनसे क्या होता है, गोला या जो ज्यादा फायर मतलब रेस करता है, ऐसी चीजें क्या है, फायर की जा सकती है, शूट की जा सकती है. बड़ी बड़ी गन्स होती है जिनको यूज करके आप गोले दाग सकते हो. तो देखो अभी तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हो गई है आजकल. तो अब अगर क्वेश्चन आता है आपका कि धनुष क्या है, तो बच्चा धनुष क्या है? आर्टिलरी गन है, आपके मेन आर्टिलरी गन है. ओके, तो बस ऐसा होता है ना. क्या यूज हो सकता है यास्मीन इनका, तोप का, ये जो आर्टिलरी गन्स होती है, इनका क्या यूज हो सकता है वॉर में? आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, क्या दिखाता है, किन किन गाँव में यूज आ जाती है? पता पड़ रहा है गोले बरस रहे हैं तो सारे लोग कैसे हो जाएंगे, वैसे ही सर नीचे करके सारे के सारे बैठ जाएंगे, जितने भी एनिमीज है हमारे. तो क्या मतलब, अगर एक जो है आर्मी उसके पास आर्टिलरी गन्स है और दूसरे के पास अगर नहीं है, तो क्या सीन रहेगा मैम? अगर एक के पास है तो मैम वो बहुत हेवी होगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा. यस मैम. ठीक है, और हाँ बोलो, लोग मारे जाएंगे. हाँ, तो एक मतलब अगर आप सिंगल सिंगल गन फायर करते हो या अगर मशीन गन भी ले लेते हो, तो आप वन बाय वन ही आप उनको किल कर पाओगे. बट अगर आपने आर्टिलरी गन के थ्रू फायर किया है, तो बहुत सारे लोग, मतलब ज्यादा तादाद में लोगों के मरने की संभावना रहती है. चलिए, सो अब और कौन कौन सी है? चलिए, कौन रीड करेगा? चिराग, आप रीड करोगे? गार्गी, कांगे गार्गी. वेपन लोकेट, चलो, वेपन लोकेटिंग रेडियस, रेडियर, रडार्स, WLR, these radars are used to locate enemy artillery guns and mortar when they fire at us. Be getting their exact location, our own ability, they fire at enemy artillery and destroy कोई और लोकेशन ले लो, कहीं और सेटल हो जाओ, कहीं और बैठ जाओ बच्चा, जहाँ पे छोड़ना आ रहा हो. It this tactic is called counter bombardment. ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, ये counter bombardment इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारे enemies है उनकी artillery का पता लगाने के लिए इनको use किया जाता है. और जब हमें पता चला है कि हाँ दुश्मन के पास ये artillery है और यहाँ पे located है, तो हम फिर क्या करेंगे, अपनी artillery से वहां पे क्या करेंगे, bombarding करेंगे. तो this is the reason कि इसको क्या कहा जाता है, counter bombardment कहा जाता है. ठीक है, इससे हमें रडार है, ये बेसिकली हम पता लगाते हैं कि हमारा जो एनिमी है उसके पास कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से लोकेशन पे एनिमी आर्टिलरी है. ये जो है बच्चे किस यूज में आ रहा है, ये आपका यूज में आ रहा है टू लोकेट एनिमी आर्टिलरी. ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ही हमें पता चलता है कि हाँ एनिमल आर्टिलरी यहाँ यहाँ पर है, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, अपनी आर्टिलरी से उस पर फायर कर सकते हैं. एंड दिस टैक्टिक इज कॉल्ड काउंटर बम्बार्डमेंट. यास्मीन बच्चा समझ में आ रहा है? युवराज, देवांश, गार्गी बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम. चलो समझ में आ रहा है ना आपको? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आप रीड करना. ओके, नाउ यू आर ऑडिबल. नेक्स्ट स्लाइड आप रीड करिएगा. चलिए चिराग कंटिन्यू करिए. यूएवी क्या है? यूएवी दीज आर क्या हुआ? दीज आर Employed to look into enemy territory and collect
collect intelligence. इज़राइल जो है उसने बनाया है बच्चा क्या हेरोन मार्क टू. यस चिराग रीड करिए, निकाल के आप रीड करिए बच्चा. डिस्टर्बेंस हो रहा है कुछ चिराग की साइड से, तो आप रीड करिए ये सेकंड वाला. आर्टिलरी गन्स वीपन लोकेटेड ये वाला यहाँ से करो, यहाँ से. Unmanned aerial vehicles UAV. These are employed to look into enemy territory and collect intelligence. Israel made Heron Mark II are extensively used to carry out race on enemy are as also in locating terrorist movements in Jammu and Kashmir. अब देखो ये जो बच्चा आपके यूएवी होते हैं ना, इसमें क्या है, इसमें कोई आपके पास ड्राइवर नहीं है, इसमें कोई इंसान नहीं है, ठीक है. ये ऑटोमेटिक एक तरीके से वर्क करता है. तो ये बेसिकली है क्या, ये आपके मानव रहित हवाई वाहन जैसे कहते हैं, ठीक है. ये अपने आप उड़ रहा है, इसमें कुछ नहीं पता, इसमें कोई इंसान नहीं है. और इसमें क्या करते हैं, हम जो दुश्मन के इलाके की खुफिया जानकारी जो इंटेलिजेंस है उसके लिए इसको यूज किया जाता है. और ये क्या है, ये इसराइल ने बनाया हेरन मार्क टू. और बच्चा जैसे हमने बहुत ज्यादा इसको कहाँ यूज किया है, जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनका पता लगाने के लिए. और इसमें कोई इंसान तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो हमारे किसी सोल्जर को या किसी को अरेस्ट करके क्या करेंगे, उसको तंग करेंगे या परेशान करेंगे. तो बच्चा ये आपका क्या है, यूएवी व्हीकल इस तरह से यूज किया जाता है. यस गार्गी कंटिन्यू. यस मैम. लॉन्ग रेंज रेस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम LORROS. इट इज यूज्ड टू लोकेटेड एंड आइडेंटिफाई एनिमी ट्रूप. ओके बच्चा, ये क्या काम आता है, हाँ रीड करो. And vehicle movement in war of for counter terrorist surveillance in Jammu and Kashmir. It is an optical device like a telescope. ये एक टेलीस्कोप की तरह काम करता है. जैसे टेलीस्कोप से हमें दूर का पता लग जाता है, दूर क्या क्या चीजें हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, एक टेलीस्कोप की तरह काम करता है. इससे हमें पता चलेगा कि एनिमी के ट्रूप्स कहाँ पे, उसकी सिपाही कहाँ काम कर रहे हैं, या फिर क्या उसके पास कौन कौन से वेपन्स है या कौन कौन से व्हीकल वो लेकर के जा रहा है. तो दूर से हमें देख के पता चल जाएगा, अपनी लोकेशन से हम दूर से इसको देख सकते हैं. तो ये टेलीस्कोप की तरह काम करता है और हमें जो हमारी एनिमी की जितनी भी मूवमेंट्स है उस सबका पता चल जाता है. ओके गार्गी. ओके मैम. चलो बच्चा, सो हु इज गोइंग टू रीड द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए इंजीनियर्स. ओके यास्मीन रेडी? यस मैम. चलिए रीड करिए फटाफट से, पूरी स्लाइड रीड कर दीजिए. Ingenious Indian Army is a modern army which is self-sufficient in fighting wars on all its terrains of mountains, plains, jungles, deserts and glaciers. The combat arms like the infantry and armor critically need the support of the combat support arms to win wars. While the combat arms lead the assault into battle, the combat support arms ensure victory through firepower, logistics, and technical assistance. The foremost among the combat support arms are the engineers. Engineers' role is to ensure mobility, counter mobility, and ensure survivability. During war, they are tasked for laying tracks, helipads, airstrips, bridges, water sources, laying and breaching mines, and construction of field defenses. They also create obstacles in the path of the enemy by demolishing bridges to delay and cut off the logistic chain to the assaulting troops. Major engineer
equipments and bridges are AM50 PMS bridge laying tank, girder bridge, bailey bridge and pontoon bridge. ठीक है, इनको क्या इन इंजीनियर्स को क्या फील्ड डिफेंस का काम सौंपा गया. बेसिकली ये जो इंजीनियर्स है इनको किसी का काम सौंपा गया है फील्ड डिफेंस का. अब फील्ड डिफेंस में सपोज उनको ट्रैक्स बिछाने हैं या हेलीपैड्स है या एयर स्ट्रिप्स है या ब्रिजेस है या वाटर सोर्सेस है, ठीक है, या उनको ब्रीचिंग करनी है जो एनिमी है उनकी माइंस का ब्रीचिंग करनी है या कंस्ट्रक्शन कुछ करना उस टाइम पे हैंड टू हैंड. सो ये क्या करेगा, ये इंजीनियर्स इस तरीके का फील्ड डिफेंस का काम करता है कि जो एनिमी है उनको नुकसान पहुंचाना है और खुद का बेसिकली क्या करना है, खुद के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी करना है. ओके गार्गी, इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि फील्ड डिफेंस का काम है इनके पास बेसिकली. जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जैसे सपोज आपको उस टाइम पे रिक्वायरमेंट हो रही है कि आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, लाइक आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, क्या करना है, ट्रैक्स बनाने हैं, हेलीपैड्स बनाने हैं, सो ये क्या करेंगे, ब्रिजेस बनाने हैं. सो ये आपके इंजीनियर्स क्या करेंगे, हमारी तो हेल्प करेंगे एंड ऑल्सो जो दुश्मन का ऐसा कुछ है उसको तोड़ने में, लाइक अगर हमें डिस्ट्रॉय करनी है उनकी माइंड्स को, सो ये इंजीनियर्स क्या करेंगे, उनकी माइंड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो ये इस तरीके से काम करते हैं. बराबर यास्मीन, आर्मी एयर डिफेंस AAD. चलिए गार्गी रीड दिस. Yes, ma'am. Army Air Defense, AAD. During war, the enemy intent is to destroy all our vital installs by air bombing the aircraft. Aircraft with speed faster than what the human eye can detect. Required sophisticated equipment and counter measure to nullify the evil disease of the enemy. The army air defense is tasked to protect vital strategic like nuclear plants, air bases, radar sites, and from enemy air threatening, they are also responsible for protecting of Indian air space from aircraft and resource available with AAD are Sika. कौन कौन सा, ये L-70 gun covered strike IGLA missiles okay, चलो बच्चा अब ये बेसिकली आपका इसको क्या काम सौंपा गया है, ये आपके AAD को, आर्मी एयर डिफेंस. अब कई बार क्या होता है, जब भी वॉर हो रही होती है तो जो हमारा एनिमी होता है वो क्या करता है, हमारे ऊपर बॉम्ब करता है, बमबारी करता है. आपने देखा होगा वो मूवी अभी जो आई थी शेरशाह, उसमें मतलब सडनली वो लोग मतलब एक प्लेस बनाया हुआ होता है वहां पे, उन्होंने कि सारे अभी ट्रूप्स को वहां पे ठहराया जाएगा और सडनली ऊपर से बमबार्डिंग स्टार्ट हो जाती है. सो ये क्या करते हैं हम सारे ही ऐसा, मतलब जो यूजुअली, यास्मीन क्या हो क्या रहा है आपके वहां पे, आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग, हू इज डिस्टर्बिंग? मैम स्मॉल ब्रदर इज डिस्टर्बिंग मी. सो टेल योर पेरेंट्स, बोलो उनको. ओके चलो. सो बच्चा ये क्या करेंगे, हमारे ऊपर मतलब क्या करते हैं, हमारे ऊपर ये लोग
इस इंटेंशन से एरियल बॉम्बिंग करता है, हमारे ऊपर हवाई बमबारी की जाती है, और उसके बाद क्या होता है, हमारे जो इम्पोर्टेंट ठिकाने होते हैं बच्चों उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तब इसमें क्या करेंगे, ये एडी क्या करता है, कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट डिसाइड करता है जो नॉर्म। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।